महाकाली नमः। तो मैं फिर आ गया हूँ। तो आज का जो ज्ञान है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा अटपटा है, लोगों के समझ में नहीं आएगा क्यों काली माँ का ऐसा सीन है। तो मैं थोड़ा बताता हूँ, आज थोड़ा छोटा टॉपिक में मुझे छोटे तरीके से बताया जाएगा ये ज्ञान, बट समझ आ जाएगा। ये मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा और डीप से आपको बाहर भी लाऊंगा। आपका आज दिमाग पूरा खुलने वाला है भगवती काली के लिए। तो एक चीज, क्या काली माँ जग जननी है? सब बोलेंगे हाँ माँ काली जगत माता है, वो सब जन्म देती है, लक्ष्मी जी को भी बोलते हैं। परंतु अब यहां थोड़ा घूम जाएगा चीज। ब्रह्मांड भंडोदरी ऐसे अनेक शब्दों से श्री कुल की देवियों की भी उपासना की गई है, एवं तारा देवी को ब्रह्मांड की देवी बताया जाता है, जिस जो तारा जी में सब लीन हो जाता है स्वयं तारा देवी को। ये गुरुदेव का थोड़ा ज्ञान है, इसके अंदर मिक्स होगा कपालनाथ जी गुरुदेव का मेरे। तो आप सबको थोड़ा दिमाग को खोलकर इस चीज को समझना होगा कि काली माँ जग जननी कैसे हैं, क्यों फिर भी लोग उन्हें घर में नहीं पूछते, वो उन लोगों की मंशा है। देखिए आज हम जानते हैं, थोड़ा तत्व की तरफ चलते हैं। पूरे जो जगत को जन्म देती हैं, कौन जन्म देती हैं? सोचा किसी ने? नहीं सोचा ना? क्यों? एक भगवती का जो हम नवरात्रों में पूजन करते हैं, वह कब करते हैं, दिन में या रात में? नवरात्रि का अर्थ क्या है जानते हैं? नहीं ना? नवरात्रि का जो अर्थ है वो है नवरात्रि, नौ रात्रि यानी नौ राते। जो रात का समय होता है वह कैसा है सोचो? काला। काला आसमान क्या है? काली। अनेक लोकों में भी जो सारे लोक है वो किसके अंदर विराजमान है? उस काले महान ब्रह्मांड के अंदर। जितने लोग हैं, किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, हाँ उनके लिए ये व्यंग है कि तुम बच्चों को बोल रहे हो कि तुम भगवती को कैसे काला आसमान बोल सकते हो, उनसे बीच में तो लोक भी आते हैं। तुम जानते क्या हो, एक बच्चे को जब एक बच्चा ज्ञान लेता है तो ए बी सी डी जानता है, तो उसी प्रकार से एक बच्चे को समझाया जाता है तो थोड़े से समझाया जाता है। अब एक छोटा बच्चा होता है कि आप उसके मुंह में से तो दूध की जगह आप रोटी डाल दोगे वो खा पाएगा? नहीं ना। ऐसे ही अध्यात्म की सीढ़ियां होती है जो एक एक करके चढ़ी जाती हैं। अब एकदम से 10वीं सीढ़ी पे पैर रख दोगे तो बच्चा कहां से समझेगा, वो डर जाएगा ना इसी चीज के लिए। तो आपको मैं बताता हूँ, जितने लोग हैं उन लोगों के लिए वो सब भी काले ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है। और वो काला ब्रह्मांड कौन है? नौ रातें क्या है? क्योंकि जिस समय शक्ति सबसे ज्यादा जागृत रूप में रहती है वही है रात्रि, और वही रात्रि है काली। रात को लोग डरते हैं, वही रात्रि है सत्य। समझ रहे हैं आप? जो जगत जननी है उनका जन्म देती है वो भी रात्रि में ही है। शक्ति की उपासना रात्रि में की जाती है, और रात किसका रूप है? वो रात्रि भी महाकाली का ही रूप है, स्वयं जगत को जन्म देने वाली काली ही है। तारा देवी नीलवर्णा है, जो नीले रंग को अगर हम गहरा करते हैं तो वह काले रंग में तब्दील भी हो जाता है। वो थोड़ा अलग मैंने चीजों से कनेक्ट कर दिया है, बट वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ ज्ञान के विषय में बात हो रही तो ज्ञान की तरफ ही रहेंगे हम, दूसरे अपने मन को नहीं भटकाते, तारा देवी की तरफ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि तारा देवी का टॉपिक अलग है। क्योंकि तारा देवी अलग टॉपिक में आ जाएगी तो तारा देवी को अभी नहीं छेड़ते, काली देवी पे ही रहते हैं। तो जो पूरा अनंत ब्रह्मांड है वह भी काली जी से ही जन्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का उद्गम भी भगवती काली से ही बताया गया है। देवी पुराण या फिर देवी भागवत देखें तो हम उसके अंदर भी भगवती काली का ही वर्णन है कि उन्होंने त्रिदेवों को जन्म दिया है, त्रिदेवों की जन्मदात्री भी वही है। अनेक ब्रह्मांड ही उनके गर्भ में जन्म लेकर नष्ट होते हैं, तंत्र ग्रंथों का भी यही प्रमाण है। जो तंत्र ग्रंथ और देवी भागवत देवी पुराण को नहीं मानता उनके लिए वीडियो बेकार है, तो आप यहीं से वीडियो छोड़ सकते हैं। जिसका विश्वास है वही इस वीडियो को देख पाएगा। क्यों? तो ये चीज हो गई। इसके अलावा कामाख्या जी का हम थोड़ा लेते हैं, अवतार के रूप में या फिर श्रेणी के रूप में देखे जाए तो कामाख्या किसका रूप है? योनि मुद्रा, योनि देवी। योनि देवी कौन है? कामाख्या। कामाख्या किसका इनकार्नेशन है? भगवती काली का ही इनकार्नेशन, यानी उन्हीं का एक रूप है कामरूप कामाख्या, जो सारे जगत को जन्म देने वाली जन्मदात्री कही जाती है। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल लेंगे आप, सोच सकते हैं? यही है भगवती काली को जग जननी मानने का रहस्य। उसके बाद भी लोगों ने घर में नहीं पूछते हैं, क्यों? उनके रूप को देखकर। जो संसार जिस चीज को ठोकर मार के अपनाए ना, वो चीज अपनाती है भगवती काली। समझ रहे हैं इस चीज को? भगवती काली का रूप बहुत अद्भुत है, हर किसी की समझ में नहीं आता।
स्तुति काली का अष्टक आदि शंकराचार्य ने रचा, उसमें क्या बोलते हैं कि देवी तुम्हारा रूप को देवता भी नहीं जानते, क्यों? क्योंकि ना तुम्हारा रंग काला है, ना लीला है, ना पीला है, तुम किसी की समझ से बाहर हो, सब आपका स्मरण कर रहे हैं। यही है देवी कालिका का, जगजननी का रहस्य। इनके रहस्य को हम क्या बता सकते हैं, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हम तो केवल उनकी स्तुति मात्र ही कर सकते हैं। आज की वीडियो में थोड़ी वीडियो अटपटी है, मैं समझ सकता हूँ, बट ये वीडियो जिसको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको दही दे दिया है, दही से मक्खन और मक्खन से घृत निकालने का कार्य आपका है, चिंतन मंथन और मनन आपका कार्य है। श्री कहा काले नमः।